वेलकम टू स्वयं स्टडी। आज है 12 जुलाई 2020। तो आज के दिन के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पे देखेंगे। एक करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 16 है। अगले पार्ट आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन 1 देखते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो 10 जुलाई को निकोला टेस्ला डे मनाया जाता है। 10 जुलाई को निकोला टेस्ला डे मनाया जाता है। 9 जुलाई को शुगर कुकी डे मनाया जाता है। कौन सा? 9 जुलाई को शुगर कुकी डे मनाया जाता है। और 8 जुलाई को नेशनल फ्रीजर पॉप डे मनाया जाता है। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में मिजोरम ने किसानों को नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। एप्लीकेशन लॉन्च किया है मिजोरम ने। तो मिजोरम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मिजोरम के गवर्नर है पीएस श्रीधरन। कौन है? पीएस श्रीधरन। और मिजोरम के पीएस श्रीधरन पिलाई, पूरा नाम है पीएस श्रीधरन पिलाई, मिजोरम के गवर्नर है। और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है जोराम थांगा। और मिजोरम के कैपिटल है ऑजुअल। कौन सा है? ऑजुअल। और मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्या। कौन है? बेबी रानी मौर्या। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंदारू दत्त। कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंदारू दत्तराय। कौन है? बंदारू दत्तराय। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है लिंगाव नारायण स्वामी। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो 250 करोड़ रुपए लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए देने की घोषणा की किसने? मास्टर कार्ड ने 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। लघु और मध्यम उद्योग यानी इंग्लिश में कहते हैं एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना है। मास्टर कार्ड ने एमएसएमई के लिए 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का घोषणा की है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम में स्वयं स्टडी चैनल है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। इसमें आपको सब वीडियो मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम में स्वयं स्टडी पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में अपलोड करता हूँ। अदर सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सअप और लिंक्डइन में भी जुड़ सकते हो। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए।
क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षक ने किस देश के तट रक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? हाल ही में भारतीय तट रक्षक ने किस देश के तट रक्षक के साथ समुद्री संबंधों बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? ये समझौता इंडोनेशिया के साथ किया है। ये समझौता इंडोनेशिया के साथ किया है। तो इंडोनेशिया आपको मैप में दिखाई देगा और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। कौन सा? जकार्ता। आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडिया के तट रक्षक के रिलेटेड है, इंडियन नेवी के रिलेटेड है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन के खिलाफ की गई है। इसको हिंदी में हितों के टकराव कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए शिकायत दर्ज की गई है क्योंकि विराट कोहली दो कंपनी के डायरेक्टर है और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा प्रावधान है कोई भी प्लेयर या कोई भी खिलाड़ी दो से ज़्यादा जगह पर मेन पोजीशन पर नहीं रख सकता, क्योंकि दो कंपनी में विराट कोहली डायरेक्टर है और इंडियन टीम के कैप्टन भी है, तो एक जगह से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा तो ही इंडियन टीम के वो कैप्टन रह सकते हैं। बाकी इसको इंडियन टीम की क्रिकेट टीम में से इस्तीफा देना पड़ेगा और रोहित शर्मा कैप्टन बन सकते, ऐसा हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट विराट कोहली के ऊपर की गई है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कलाशिल्प और हथकार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इस समझौता कर्नाटक के साथ किया है। फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक के साथ ये समझौता फ्लिपकार्ट ने किया है। तो फ्लिपकार्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है और फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, जब इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट ग्रो कर रहा था तब उसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक में है। उसके था फाउंडर कौन कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। उसका ओनर है वॉलमार्ट। 77% स्टेक वॉलमार्ट के पास है और बाकी का बचा 34% स्टेक फ्लिपकार्ट के पास है। कर्नाटक के साथ समझौता किया है। तो कर्नाटक में हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गेट गो का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक। तो कर्नाटक के रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते। कर्नाटक के गवर्नर है वजूभाई वाला और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बीएस येदुरप्पा और कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना है। और अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कैपिटल कौन सा? मुंबई। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। अदर ऑप्शन देखते हैं नागालैंड के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू राव। और नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। कौन सा? कोहिमा। अदर ऑप्शन देखते हैं गुजरात। और गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है विजय भाई रूपानी। और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है इस क्वेश्चन के बारे में। और मेरे चैनल में आप नए हो
इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। क्वेश्चन 7 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने में स्वच्छता अभियान चलाया। ये स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया। हाल ही में कोविड 19 के रोगियों को रोकने के लिए स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगाया है। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। एक क्वेश्चन में हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है तब लखनऊ गोमती नदी के किनारे हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए मैं बताता हूँ। और उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन रहेंगे फर्स्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का एरिया रहेंगे फोर्थ। आप उत्तर प्रदेश के रिलेटेड इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, और अदर ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्र, कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन, और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, कौन है, अमरावती, आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। राजस्थान, प्रेजेंट टाइम के राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा, कौन है, कलराज मिश्रा, और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, कौन है, अशोक गहलोत इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, यानी कि INC से, और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निगोमा बाम को नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया है, ज्ञानेन्द्र निगोमा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्रेजेंट टाइम के इंडियन हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, और प्रेजेंट टाइम के कोच है ग्राम रेड। हॉकी इंडियन टीम का, इंडियन की नेशनल गेम है, और अदर ऑप्शन देख लेते, विराट कोहली इंडियन टीम के क्रिकेट टीम के कैप्टन है और प्लेयर है। क्वेश्चन 9 देखते, किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है, तो भारत की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर टेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश को मंजूरी दी है, तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यापक को मंजूरी दी है, यानी कि 75% नौकरियां स्थानिक लोगों को मिलेगी, बाकी के जो 25% बचते हैं वो अदर स्टेट के लोगों को नौकरियां देने का अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो ये अध्यादेश को मंजूरी दी है हरियाणा ने, तो हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ अदर कौन से स्टेट का कैपिटल है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1906 को, कब हुई थी, 1 नवंबर 1906 को। तो आपको इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना इस क्वेश्चन के बारे में, और चंडीगढ़ अदर कौन सा स्टेट का कैपिटल है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन 11 देखते, हाल ही में
किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो हाल ही में कैजेक डी थोक डोक ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। कैजेक डी थोक डोक ने हाल ही में 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाला एग्जाम के लिए। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने वाला राज्य जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले एक यूएक स्टेट था। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है। हर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और प्रेजेंट टाइम के जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जगदीश चंद्र मुर्मू। कौन है? जगदीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट टाइम के जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल कौन सा है? विंटर में जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल होता है जम्मू और समर में होता है श्रीनगर। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रख लेना इस क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, मेरी चैनल में आप नए हो, स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। सोशल मीडिया में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डेली में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सीरीज का पार्ट अपलोड करता हूँ, तो डेली आप देख लीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया? तो हाल ही में इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया। इसरो ने किया है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। और इसरो के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है के सिवन। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित SEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित SEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौशल मंत्रालय ने SEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। AI देख के आपको माइंड में क्लिक कर गया होगा कि AI का मीनिंग क्या होता है। AI का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI आधारित SEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म, SEEM का मीनिंग होता है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या होता है? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। कौन से मंत्रालय ने किया है? कौशल मंत्रालय। कौशल मंत्रालय को इंग्लिश में कहते मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर है डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। कौन है? डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो वित्त मंत्रालय किसके पास है? निर्मला सीतारमण के पास है। किसके पास है? निर्मला सीतारमण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने
किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा है 2013, यानी ये 10 ईयर में जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंडियन रेलवे खड़ा कर देगी। इंडियन रेलवे ने किया तो इंडियन रेलवे के मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल कौन से अदर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप में WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप में WHO से अलग होने का ऐलान किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। किससे अलग होने वाले? WHO से। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO का लोगो है। आप देख सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ऑल गवर्नमेंट स्कीम डेली, और गवर्नमेंट स्कीम डेली न्यूज। तो हर एक के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हो तो लिंक्डइन, ट्विटर, सबकी लिंक, सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में चैनल है स्वयं स्टडी, वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सब वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी और चैनल की सब अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम में स्वयं स्टडी पेज है, इस पेज को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।